इंसान को कुछ करना चाहिए अभी इसी वक्त, क्योंकि वी कांट वेट अराउंड एनी मोर. हमारा एनवायरनमेंट बहुत ख़राब हो गया है. हमारा जो एयर इज़ पोल्यूटेड, आर वाटर इज़ पोल्यूटेड. आर चिल्ड्रन, हमारे बच्चे लोगों के लिए हमें कुछ करना है, क्योंकि हमने उनके सारे रिसोर्सेज जो हैं, जो धरती के रिसोर्सेज हैं, वो हमने सब यूज़ अप किए हैं. एंड आई थिंक हर इंसान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. सो मैंने वो पहला कदम लिया है. मैंने स्टैम्प क्रिएट किया है, और वो बेसिकली इट्स अ ट्री प्लांटिंग इनिशिएटिव. हम जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ये अच्छा होगा. जितने लोग इसको रियलाइज़ करेंगे और अपने आप कुछ करेंगे, वो इतना ही अच्छा होगा. सो आई जस्ट लुक फॉरवर्ड दैट एवरीबडी विल कम टुगेदर विद स्टैम्प, make this environment a better place, a tree for tomorrow, a tree for your children. Let's leave a greener stamp on this earth for our kids. But Tanisha, correct if I'm wrong, the same kind of initiative will happen in Lonavala also, correct? I'm so happy. See, I'm so happy that you said that. Actually, it's I had decided that I could not change the whole world, I mean the whole country as such. So I decided to change Lonavala and Khandala, and we decided on tree planting. So we have planted, a lot of our members have planted trees, and it's basically, you know, to क्या कहते हैं, हमारा जो वातावरण है, अगर हमने पेड़ पौधे नहीं लगाए तो हमारे यहाँ पानी नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा, खाने के लिए धान्य नहीं पकेगा, हम लोग फार्मिंग नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे अगर इस धरती को हम नहीं संभालेंगे तो. सो हमारे ये सबसे इम्पोर्टेंट एम क्या है कि हम इस देश को, या इस हम जितना कर सके, जैसे इसने स्टैम्प शुरू किया, हमने लोनावला में हमारा प्लांटेशन शुरू किया, तो स्टैम्प भी ऐसा ही है कि एक आगे बढ़ने का कदम है ये, कि हम इंसान की मदद करें, ये पीढ़ी के लिए नहीं तो अगले पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे ग्रैंडचिल्ड्रन के लिए, इस मतलब दुनिया के बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए. हाँ तो वो अभी क्या करेंगे, जो म्यूनसिपाल्टी पेड़ काटती है, हम म्यूनसिपाल्टी को क्या बोलेंगे, हम तो म्यूनसिपाल्टी को वोट नहीं कर सकते. हम आई कैन, यस एज अ सेलिब्रिटी आई कैन टेल द म्यूनसिपैलिटी भाई मत काटो ये पेड़, लेकिन वो लोग कहेंगे कि भाई हमको रास्ता बड़ा करना है तो हमको ये पेड़ काटना ही पड़ेगा, तो हम बोलेंगे दूसरी जगह कहीं पेड़ लगाओ, आप आ जाओ कहीं और पेड़ लगाओ, रिप्लेस दैट ट्री, रिप्लेस करो ना, ये आपने पेड़ काटा तो इस पेड़ को जब काटोगे तो ऐसा ही दूसरा एक पेड़ लगा दो, कहीं और लगा दो, ताकि कमी नहीं पड़ जाए ना. देखिए, हम दूसरों के लिए नहीं बोल सकते, हम किसी और को नहीं बोल सकते कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन दैट. लेकिन जो मुझे करना है वो मैं कदम आगे बढ़ के कर सकती हूँ, वो मैं ज़रूर करूँगी. थैंक यू, थैंक यू, एंड प्लीज़ कम एंड जॉइन स्टैम्प. थैंक यू मैम. तो तनीषा ने मुझे बुलाया है, एंड शी टोल्ड मी इट्स एन एनजीओ वेयर दे आर गोइंग टू टेक ओवर गार्डन्स, क्रिएट गार्डन्स ऑफ द वर्ल्ड ओवर हियर इन इंडिया. ऑल्सो दे वांट टू प्लांट ट्रीज, एंड कुछ देर से मैं भी बहुत बहुत इंटरेस्ट लेने लगी हूँ एनवायरनमेंट में, ट्रीज़ के प्लांटिंग में. आई एम ऑल्सो वॉन्टिंग टू वर्क फॉर बैनिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स, सो मेरा भी ये इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है इन चीज़ों में. तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू हियर कि वो भी ये काम कर रही है. मैंने कहा तनीषा, एनजीओ का लॉन्च तो तुम कर रही हो, काम अच्छा करो, और जब भी कुछ कोई काम हो एक्चुअली तो मुझे ज़रूर बुलाना, मैं ज़रूर आना चाहूँगी. मैम, अगर हम आपकी बात करें, आप हर बार बहुत सारे एनजीओ से आप जुड़े रहते हैं, क्या रीज़न है जो आपको इंकरेज करते हैं बार बार, हर जगह आपके एनजीओ कहीं ना कहीं ड्रीम आपको मिल जाएगा, व्हाट्स द रीज़न? नहीं, अच्छे नए ख्याल आने लगे हैं, अच्छी बात है.
I don't know, of late really I've become more mindful. जब मैं ये एहसास होने लगा है कि हम इस धरती से बहुत कुछ लेते हैं मगर देते नहीं हैं, वापस नहीं देते. हम अपने हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, अपने खाने में केमिकल्स डाल रहे हैं, अपने हम हवा में ही नहीं रेडिएशन के ज़रिए से भी एक इलेक्ट्रोस्मॉग क्रिएट कर रहे हैं. अब इन एवरीथिंग वी आर कंटामिनेटिंग आर सॉइल, आर वाटर, आर एयर एंड नाउ इलेक्ट्रोस्मॉग एज वेल. सो इस सब का बुरा असर आपको बहुत जल्द दिखने वाला है और ऑलरेडी दिख रहा है. कैंसर्स जो हो रहे हैं, जो बीमारियां हो रही हैं, वो क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है इसलिए हो रहा है. वी आर डूइंग, मैनकाइंड इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर इट्स कन्वीनियंस. हम अपनी कन्वीनियंस, अपने आराम के लिए मशीन्स बना रहे हैं, केमिकल्स फूड में डाल रहे हैं, अपने पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, मगर इसका असर आपको दिखने लगेगा. एंड देन वी विल हैव टू टर्न अराउंड टू मोर नेचुरल थिंग्स. तो प्लांटिंग ट्रीज, डूइंग गुड थिंग्स फॉर द अर्थ, आई थिंक हमारा कर्तव्य है और हमें करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, वक्त निकालना चाहिए. आई इवन एग्री विद, अच्छा तनीषा ने मुझे बताया अगेन कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर एक जन के लिए देर शुड बी 4 trees प्लांटेड. आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, वी मस्ट डू इट. अब वो तो आकर ये पेड़ नहीं उगा सकते, सो हमें करना चाहिए. सिर्फ गवर्नमेंट पर या उनके कर्मचारियों पर मत छोड़िए ये काम, हम लोग कुछ करें इसके बारे में. वी हैव टू मेक आवर इंडिया अ वर्ल्ड. सेम टाइम हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट में बहुत सारी जगह ट्रीज को काट डालते हैं, उसके लिए हमें एज ए स्लिप क्या करना चाहिए? जहाँ तक हो सके पेड़ों को बिल्कुल काटना नहीं चाहिए. ये अकल मुझे अब आई है, 10-15 साल पहले मैं भी इन चीज़ों के बारे में सोचती नहीं थी. एक पेड़ को उगने में वक्त लगता है, जैसे एक बच्चे को बड़े होने में वक्त लगता है, उसमें आप जल्दबाजी नहीं कर सकते. तो एक एक पेड़ जो 50 साल से बड़ा हुआ है, इतना बड़ा हुआ है, इतनी ऑक्सीजन फैलाता है, अपने हमारे वातावरण को कूल करता है, ये आप आज पेड़ लगाएंगे, 50 साल के बाद वो इतना विशाल होगा. आप इसे बिना सोचे समझे कभी ना काटें. जिस तरीके से आज के टाइम में बायोगैस का एक ट्रेंड चल रहा है, तो आपको लगता है सर कि आरडी कार्बन सर्कुलर भी बायोगैस होनी चाहिए? हाँ, ओह माय गॉड, कहाँ से कहाँ बात चली गई. आई थिंक आज के लिए तनीषा के इस अच्छे काम में हम शामिल हों और हमारी शुभकामनाएँ उसके साथ हैं कि वो सच में कुछ अच्छा काम कर दिखाए. आई एम प्राउड ऑफ हर कि वो ऐसा सोचती है और ऐसा कुछ अच्छा करना चाहती है. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. तनीषा के बारे में जो भी कहना है, मैं जितना भी कहूँ बहुत कम है, क्योंकि तनीषा इज एन अमेजिंग पर्सन और जिस तरीके से शी इज़ गोना बी मेकिंग इंडिया ग्रीन, आई थिंक इट्स अमेजिंग कि किसी ने ये इनिशिएटिव लिया है. क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ कि किसी ट्री को मारा गया है या फिर किसी बहुत सारी चीज़ काटी जा रही हैं और मैं कुछ कर नहीं पा रहा. एंड इट्स अमेजिंग कि कोई अपना पावर लेके कुछ ना कुछ कर रहा है. आई थिंक दैट्स अमेजिंग. हाँ, बट कैसे इंडिया ग्रीन मेरे कपड़ों से वाइट शांति का प्रतीक होता है. अच्छा, ऐसे वाइट और फिर ब्लैक क्या होता है? काल. नहीं, आई थिंक वन वे दैट आई एम एनवायरमेंटली फ्रेंडली इज के ये जो कपड़े हैं, शायद आपने पहले कहीं देखे होंगे, मैंने पहले भी पहने हैं. मैं ऐसा नहीं बिलीव करता कि कभी एक बार पहन के थ्रो कर दो, क्योंकि दैट्स एक्चुअली नॉट वेरी इकोनॉमिकल, इट्स नॉट इकोलॉजिकल. तो मैं चाहता हूँ कि लोग अपने कपड़े रिपीट करें, इसलिए मैंने फिर से एक ये डंगरीज भी पुरानी है, ये भी पुराना है, मैं भी पुराना हूँ. और अपकमिंग प्रोजेक्ट, बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं. इनफैक्ट मैं अभी लंदन जा रहा हूँ मंडे को और आपको सून पता ही चल जाएगा. थैंक यू गाइस. हाई एवरीवन, एंड आई एम हियर टू सपोर्ट तनीषा'स न्यू एनजीओ इनिशिएटिव फॉर स्टैम्प. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर फॉर डूइंग समथिंग सो गुड फॉर द एनवायरनमेंट. एंड आई एम हियर टू सपोर्ट हर इन ऑल द वेज पॉसिबल बाय अटेंडिंग एंड लेटिंग माय सपोर्ट इन द अदर वे. I can, and of course it's the launch of Atelier, so it's going to be fun as well.
So it's a fun event. I'm going to enjoy it and I'm looking forward to it. You said 29 awards, Tigers today. What you call Philippi? Sorry? 29 awards, Tigers, you was another Tigers, yeah. Yeah. Sir, what's your take on it? See, I fell in love with the animal when I saw it the first time. I have a tiger tattoo on my shoulder. So I've gone to like Ranthambore and I've gone to Gir and I've gone to lots of places where I have tried to see all the tigers in India that I can possibly. And I love photography. So I love, you know, shooting them and stuff like that. And it's wonderful because we got to sit with the Discovery team at one time and see the migration of the tiger also. We were there for about 5 days. 5 days tak humne usse follow kiya. It was very beautiful. I've been hearing good things about the tiger population growing, and I support that in all ways possible. About the film and what's happening in casting and all, I have no idea. Honestly, to be very honest, I don't know, so I can't comment on that. Yeah, I've got a web series happening with Voot. Yeah. I've got a web series launching with Voot, that's Viacom 18. It's untitled right now. But it's with Swara Bhaskar and Akshay Oberoi, so it's a nice love triangle thing that we're going. And plus I've got Dangal releasing in December. Thank you. Thank you.